हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर एकेडमिक। हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित, जिसमें चैप्टर 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि एक्स बराबर 0, -3 और 5 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये संतत है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, संतत की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर किसी फंक्शन को हमको संतत सिद्ध करना है, तो देखिए सबसे पहले हम उसमें जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू और जो LHL होता है उसकी और RHL तीनों को हमको बराबर करना होता है, तभी हमारा जो फंक्शन दिया होता है वो संतत होता है। ठीक है, तो चलिए हम ये तीनों चीज़ें निकालते हैं और इसको संतत सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले हम x बराबर 0 के लिए सिद्ध करते हैं, तो फर्स्ट है हमारे पास x बराबर 0 के लिए। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें फंक्शन में हम 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे x बराबर 0 रख के तो -3 आएगा। हम यहाँ पे LHL निकालते हैं, तो LHL आता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 5x-3। ठीक है, अब हम 0 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम RHL निकालेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन रखेंगे 5x-3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास -3। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन था वो भी हमारे पास -3 आया, LHL -3 आया और RHL भी -3 आया। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो और LHL और RHL तीनों इक्वल है। इसका मतलब ले सकते हैं, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया है। अब चलिए अब करते हैं x बराबर -3 के लिए। सेकंड है x बराबर -3 के लिए, तो देखिए यहाँ पे f -3 हमारा फंक्शन था 5x-3। जब हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5x-3 सॉरी यहाँ पे इनटू, क्योंकि x की जगह पे हमने -3 रख दिया है, ये हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -18। ठीक है, अब हम LHL निकालेंगे, LHL आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव -3। ओके, तो देखिए ये आएगा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव 5x-3। अब देखिए हम जब -3 को यहाँ पे हम रखेंगे तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -18। ठीक है, आगे देखिए RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव 5x-3। ठीक है, जब हम इसमें -3 रखेंगे तो हमारे पास ये भी -18 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी जो फंक्शन था उसकी वैल्यू -18 आई, LHL की भी -18 और RHL की भी -18, मतलब एफ एक्स इक्वल RHL इक्वल RHL। ओके, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर -3 पर संतत है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड हमारा x बराबर 5 के लिए। देखिए नेक्स्ट है x बराबर 5 के लिए, तो देखिए फंक्शन हम रखेंगे 5 के लिए 5x-3। तो देखिए यहाँ पे भी जब 5 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25-3 यानी कि 22 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम LHL, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव 5x-3। ठीक है, तो देखिए जब 5 रखेंगे यहाँ पे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 5 में से कुछ माइनस होता है ना
तो ये हम 5 - h रखेंगे, h की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो कुल मिला के 5 × 5 हो जाएगा 25 - 3 यानी 22। नेक्स्ट है इसमें RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव 5x - 3। तो देखिए यहाँ पे जब हम 5 रखेंगे तो ये भी हमारे पास 22 आ जाएगा। इसका मतलब है जो फंक्शन है LHL है और RHL है वो तीनों बराबर है, तो fx बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 5 पर संतत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।